तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि आप अगर यूएस स्टॉक पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो मंथली बेसिस पे, तो किस तरीके से आप यूएस स्टॉक पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप अगर यूएस स्टॉक पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, यूएस स्टॉक पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको आईएनडी मनी ऐप पे डीमैट अकाउंट ओपनिंग करनी होगी, तब जाकर आईएनडी मनी ऐप से यूएस स्टॉक पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कि मैं भी आईएनडी मनी ऐप यूज करता हूँ, तो आप अगर यूएस स्टॉक पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आईएनडी मनी ऐप से आप यूएस स्टॉक पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं आईएनडी मनी ऐप। और आप भी अगर यूएस स्टॉक पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आईएनडी मनी ऐप से यूएस स्टॉक पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसे में बहुत सारा ऐप आपको देखने को मिल जाएगा यूएस स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट करने की, लेकिन दोस्तों आईएनडी मनी ऐप इजी टू यूज है, आसानी से आप यूएस स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उस ऐप का यूजर इंटरफेस बहुत आसान है। तो आप अगर आईएनडी मनी ऐप पे अकाउंट ओपनिंग नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हो तो ऑलरेडी वीडियो आप इस वीडियो को देख के आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो आईएनडी मनी ऐप पे, और यूएस स्टॉक पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो जैसे कि इस वीडियो में आईएनडी मनी ऐप से यूएस स्टॉक पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप आईएनडी मनी ऐप पे डीमैट अकाउंट ओपनिंग किया है, किस तरीके से आप आईएनडी मनी ऐप से यूएस स्टॉक पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो और क्या है प्रोसेस। चलो इसके लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और आईएनडी मनी ऐप ओपन करके सारा प्रोसेस देखते हैं। तो जैसे कि मेरा आईएनडी मनी ऐप पे डीमैट अकाउंट ओपनिंग है, तो हम यहाँ पे आईएनडी मनी ऐप को ओपन कर लेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लेंगे। तो आप अगर आईएनडी मनी ऐप पे डीमैट अकाउंट ओपनिंग नहीं किया है तो उस वीडियो को देख कर आप डीमैट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। आईएनडी मनी ऐप पे अकाउंट ओपनिंग करने के बाद कुछ इस तरीके की इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि ये ऐप इजी टू यूज है, आसानी से आप यूएस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे नीचे पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यूएस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप अगर सिंपली यूएस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, यहाँ पे यूएस स्टॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे जितना यूएस स्टॉक है यहाँ पे आपको यूएस स्टॉक का लिस्ट देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि आप अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ऊपर पे देखेंगे एसआईपी का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको एसआईपी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे सबसे पहले फंड देखने को मिल जाएगा कि कौन सा फंड कितना रिटर्न दिया है पर डे, यहाँ पे वो फंड देखने को मिल जाएगा कि कितना रिटर्न दिया है डेली। उसके बाद यहाँ पे टॉप फंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि एप्पल हो गया या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, तो यहाँ पे आपको टॉप फंड देखने को मिल जाएगा। इस पे अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप चूज करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। जैसे कि ETF में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, यहाँ पे चूज कर लेंगे ETF। यहाँ पर आप टॉप टेक में करना चाहते हो, यहाँ पर टॉप ब्रांड में करना चाहते हो, यहाँ पे कलेक्शन देखने को मिल जाएगा, राइट। तो जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये सजेस्ट नहीं है, आप अपना हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करोगे। यहाँ पे एक दिन का मार्केट देखने को मिल जाएगा, अप गया है या फिर डाउन गया है। अगर आप एक साल की मार्केट देखना चाहते हो तो यहाँ पे एक साल की मार्केट भी देख सकते हो। तो इस स्टॉक पे अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो किस तरह से आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे नीचे पे एक ऑप्शन है बाय का ऑप्शन एंड एसआईपी का ऑप्शन। एसआईपी वाला मॉडल नया नया स्टार्ट हुआ है, तो आप यहाँ पे एसआईपी करने के लिए एसआईपी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे अपना अमाउंट डालना है कि कितना रुपए आप पर मंथ सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। मिनिमम आपको 500 रुपीज करनी है, तो यहाँ पे हम 500 रुपीज चूज कर लेंगे और यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मंथली सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप वीकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वीकली इन्वेस्टमेंट करने की। जैसे कि मैं मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे मंथली और यहाँ पे अपना डेट सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेंगे, दो ही डेट अवेलेबल है और यहाँ पे ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे अमाउंट डेट सेट हो जाएगा। नीचे पे अगर आप ऑटो पेमेंट सेटअप करना चाहते हो तो सबसे पहले यहाँ पे ऑटो पेमेंट सेटअप करनी होगी। ऑटो पे वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे ऑटो पेमेंट के आप पर मंथ पेमेंट के सेटअप कर सकते हो, ज्यादा या फिर कम कर सकते हो। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो ये बेसिक सा डिटेल्स डाल के आपको यहाँ पे सेटअप सिप वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटअप सिप वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको पेमेंट करनी होगी, तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आप पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर लेंगे कि किससे आप पेमेंट करना चाहते हो।
यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप पेटीएम के अलावा भी और दूसरा ऐप यूज करते हो, दूसरा ऐप से भी आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि मैं पेटीएम से करना चाहता हूँ, हम यहाँ पे पेटीएम सिलेक्ट कर लेंगे, कंप्लीट ऑटो पे सेटअप वाला ऑप्शन पे क्लिक करके ऑटो पेमेंट सेटअप कर रहे हैं ताकि परमानेंट इन्वेस्टमेंट हो, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे पे 1 रुपीज पेमेंट करनी होगी ऑटोमेटिक सेटअप करने के लिए। यहाँ पे पेमेंट कर देंगे 1 रुपीज, तो यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। हम यहाँ पे डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही पेमेंट हो जाता है तो यहाँ पे सिप रजिस्टर सक्सेसफुल हो चुका है और ये 500 रुपीज उस मंथ में पेमेंट होगा जिस डेट को आप सिलेक्ट किया है ऑटो पेमेंट। और यहाँ पे अपना ट्रैक देखने को मिल जाएगा जो कि ऑटो पेमेंट सेटअप भी हो चुका है। अगर आप पॉज करना चाहते हो सिप को पॉज भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे यूएस स्टॉक पे सिप इन्वेस्टमेंट सेटअप हो चुका है, 500 रुपीज उस डेट पर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा उस स्टॉक पे जो स्टॉक आपने सिलेक्ट किया है। तो इसको हम कर लेते हैं बैक। तो यहाँ पे आप कैसे पता करोगे कि यूएस स्टॉक पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट सेटअप हुआ है कि नहीं? तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जिस स्टॉक पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट सेटअप क्या है वो स्टॉक यहाँ पे डेट और अमाउंट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सेटअप हो चुका है, आपको बैक कर लेनी है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आप अगर यूएस स्टॉक पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो किस तरह का सब आईडी मनी ऐप से यूएस स्टॉक पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या है प्रोसेस, आप सारा डिटेल समझ चुके होंगे। तो अगर अभी तक आपने आईडी मनी ऐप पे डीमैट अकाउंट ओपनिंग नहीं किया है, अगर आप यूएस स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आईडी मनी ऐप पे अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हो वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर कुछ नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय।